मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। तो हेलो बड़ी, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। यार मैं तो यूट्यूब से जस्ट गायब ही हो गया था। आई हैव नो एनी हार्ड रीजन्स टू वाई आई एम नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोज़, बट यार क्या ही कर सकते हैं, बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे वापस आया। तो यार जैसे मेरा दिसंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, तो मैं उसके बाद पेपर का रिव्यू देने वाला था, बट मैं पेपर का रिव्यू भी नहीं दे पाया था। मैंने अपना रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर ज़रूर किया था, मेरे कुछ नंबर से रह गए थे। तो उसके बाद जैसे मेरा 25th को मेरा रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद मैंने सोचा था कि लाइक मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, अपलोड भी करूंगा। बट यार एक दो मैंने वीडियो बनाए भी थे, बट पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई मैंने उसे अपलोड ही नहीं किया। फिर काफ़ी समय होने बाद फिर मतलब मुझे लगा कि बहुत काफ़ी देर हो गई है, नहीं अपलोड करना चाहिए। तो मैंने जून के लिए अपना प्रिपेयर स्टार्ट किया। तो मैं बोध ग्रुप के लिए जाने वाला था, तो बट सीन क्या वहाँ पे था कि बोध ग्रुप के लिए मतलब टाइम थोड़ा सा चाहिए, आपको पता है एड सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि मैं जून काफ़ी समय मतलब कम ही समय था जून के लिए, तो मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, अटैम्प्ट देने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, बट लास्ट में मैंने सिर्फ ग्रुप वन के लिए मतलब सिंगल मॉड्यूल का ही मैंने एग्ज़ाम दे पाया। ग्रुप टू का मेरा किसी वजह से नहीं हो पाया था, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ी सी मेरे में डेडिकेशन की कमी थी उस समय, या मैं अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, जिससे मेरा 8 सब्जेक्ट्स नहीं हो पाया था। तो मैंने ग्रुप टू नहीं दिया था जून में, सिर्फ मैंने सिंगल मॉड्यूल के ही अपियर हुआ था। और उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे मतलब कंटिन्यू आ जाऊंगा। बट यार वहाँ पे जून के बाद मेरे 2-3 महीने फॉर्म भरे थे, जो कि जनरल एग्जामिनेशन लाइक उसके लिए जनरल तैयारी करनी पड़ती है, तो उसका जो सिलेबस था जनरल सिलेबस था। सो जून के जस्ट बाद ही मैंने उसका एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा। और जो मेरा एग्ज़ाम था वो वाला, जो जनरल वाला मैं बता रहा हूँ, रिसेंट में ही कम्प्लीट हुआ, कल ही मेरा कम्प्लीट हुआ। तो उसके बाद मैं अभी आपके सामने यूट्यूब पे आ चुका हूँ। तो मैं फिर से कंटिन्यू आऊँगा, यूट्यूब पे आ जा रहा हूँ और मैं वीडियो बनाना चालू करता हूँ अभी से। और दिसंबर यार हम लोग का सीएस एग्जीक्यूटिव बोर्ड सिलेबस के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, तो सोच रहा हूँ इस लास्ट अटेम्प्ट में किसी तरह, अभी तो ग्रुप वन का रिजल्ट आना बाकी है, आपको 10 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, तो रिजल्ट देखते हैं क्या होता है और ग्रुप टू की प्रिपेरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ग्रुप टू के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे न्यू सिलेबस में अपने आप को वो कर लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं, बट मैंने अपने आप को भी ओल्ड में ही रखा है। मैं ओल्ड से ही सब सोच रहा हूँ कि ग्रुप टू का एग्ज़ाम दूँ। तो ओल्ड के लिए मैंने मतलब पहले से, आज मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, पहले भी कुछ कुछ मैंने मतलब मुझे पता था किसे किस सर से पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने लेक्चर्स थे वो तो अब एक्सपायर हो चुके हैं। और ग्रुप टू का मैंने पूरा सिलेबस तो मेरा कवरेज नहीं हो पाया था, आज जो किया भी था मतलब बहुत सारा चीज़ भूल गया, उसको रिविज़न करना पड़ेगा, फिर से मैं मतलब माइंड मैप तो करना पड़ेगा उसको। तो मैं एक अलग स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ और प्लेलिस्ट मैंने कुछ कुछ सेव किए हैं, तो अगर आप ओल्ड सिलेबस है तो आप प्लेलिस्ट में आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना, तो उससे पढ़ाई करेंगे। और आपके नज़र में कोई ऐसी फैकल्टी हो तो आप मुझे रिकमेंड करना कमेंट के थ्रू, कैसे भी इंस्टा पर मैसेज भी आप कर सकते हो। सो उससे मैं प्रिपेयर करूँगा ग्रुप टू के लिए। अब दिसंबर में काफ़ी समय रहा नहीं है, तो ग्रुप टू के लिए अच्छे से भिड़ जाते हैं और ग्रुप टू को फोड़ते हैं। और बाकी यार मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मतलब मैं यूट्यूब से डायरेक्ट गायब ही हो जाता हूँ, क्या करूँ। बट जून जैसे एग्ज़ाम मेरा दिसंबर के रिजल्ट के बाद, यार सिचुएशन वैसी नहीं थी, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो आप इसे एक्सक्यूज़ ही बोल सकते हो, और मेरे पास कोई ठोस रीज़न नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि। तो चलो ग्रुप टू की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और ग्रुप टू को फोड़ने के लिए तैयारी करते हैं और यूट्यूब पर कंटिन्यू हो जाते हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना और मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, ये शुभम शुक्लेचा सर का जो है दिसंबर 2023 के लिए जो सर का जो पीडीएफ बनाया हुआ पीडीएफ है, ये FMSM के लिए मैंने ये पीडीएफ को सेव किया था। तो इसमें सारे FMSM के रिवीजन सिलेक्शन से ओल्ड वाले, तो मैं यहाँ से सोच रहा हूँ करने, मैं पहले भी यहाँ से करता था, बट रिसेंटली कुछ कुछ मैंने लेक्चर्स को और ख़ुद से प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। लाइक आप FM के, ये राजावटे सर का है इनकम टैक्स, तो मतलब ग्रुप वन के लिए है वो, ये EBCL का हो गया, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स के 2 वीडियो CMA के लिए, और क्विक रिविजन जो शुभम सर का है। बाकी मैंने ऐसे प्लेलिस्ट 1-2 और मेरे चैनल पे है, मतलब अलग ईमेल पे है, तो उसको वो ईमेल खोलूँगा तो मैं अभी दिखाऊँगा। और एक ये भी है JK सर क्लासेस, इसका भी मैंने सेव किया है, ये ऑफलाइन वाई वाई इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा यार।
चल जा भाई, कनेक्ट तो है इंटरनेट बट चल क्यों नहीं रहा। सर का देखते हैं, चला गया। हाँ चल गया चल गया चल गया। हेलो पीपल, तो आप यहाँ भी देख सकते हो जेके साइक्लासेस, तो ये सीएमए के लिए है, नहीं एफएम के लिए है, ये सही पढ़ाते हैं सर लोग। हाँ से पहले मैंने किया है, तो आप प्लेलिस्ट दे सकते हो। तो ये सब प्लेलिस्ट आप जो मैं बता रहा हूँ, और आपको कोई भी और नई भी फैकल्टी के बारे में पता हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, मैं जहाँ से मैं कंप्लीट कर पाऊँ ग्रुप टू के लिए स्पेशली। तो मैं अभी, मुझे शुभम सर के लेक्चर्स देखने का मन हो रहा है, तो मैंने शुभम सर का जो लेक्चर्स प्रीवियस देखा है उसका मैं रिविज़न मैं मार्क करता हूँ, और जो बाकी सी एम ए एफ एम बाकी सब चीज़ें जो नेक्स्ट डे से अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो अभी मैं आई सी डी आर रेगुलेशन एस एल सी एम में जो एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं अभी रिविज़न करता हूँ। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more. ICDR regulation half revision, मतलब वो जो पार्ट ए का जो वीडियो था वो 4 घंटे का था, तो मैंने 2 घंटे अप्रॉक्स देखे थे। उसके बाद मुझे भूख लग रहा था क्योंकि मैंने जो वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था 1-2 बजे दोपहर से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं शाम के 5 बजे में मतलब कुछ घर पे कुछ खाने को नहीं था, तो मैं ब्रेड था तो ब्रेड को मैं हीट करता हूँ और उसमें थोड़े से पीनट बटर लगा कर मैं छोटा सा एक नाश्ता अपना करता हूँ। और आज का दिन हमने ऐसे ही कंप्लीट किया, तो आज रात में ट्राई करूँगा कि ICDR रेगुलेशन मतलब अच्छे से रिवाइज कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।